शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से देश भर में तेल के दाम सर्वकालिक सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार के मालिकाना हक वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 97 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 105 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित तेल बेचने वाली कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाता है। नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे लागू की जाती हैं। मूल्य वर्धित करो, स्थानीय और माल ढुलाई शुल्क के कारण राज्यों और शहरों में ईंधन की अलग अलग कीमतें होती हैं, जो जगह के आधार पर भिन्न होती हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिस कारण से भी घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।